तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको जाना एक कमाल की एक ऐप के अपडेट के बारे में बताना जो कि आपको आपके सैमसंग गैलेक्सी के अंदर मिलेगी और बहुत ही कमाल की एक ऐप है, या बोल सकते हैं एक छोटा सा फीचर है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता होगा सैमसंग गैलेक्सी में हर छोटे छोटे फीचर्स की एक अलग अलग अपडेट आती है, तो उसी से रिलेटेड है इस ऐप का अपडेट का या फिर इस फीचर का नाम है इंटरप्रीटर नाम से। ये ऐप मिलेगी आपको, गैलेक्सी स्टोर में जाना होगा और आपको दिखेगा इसमें एक नया अपडेट आया है। अब नए अपडेट के साथ और इस ऐप को कैसे यूज करते हैं सारी डिटेल मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे ही फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसए टेक में। दोस्तों जैसा कि नाता है मैं आपको बताने वाला हूँ इंटरप्रीटर ऐप के नए अपडेट के बारे में और इस फीचर के यूज के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले जाना है आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर पे एंड गैलेक्सी स्टोर के अपडेट्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट मिल रहा होगा इंटरप्रीटर ऐप का, जो कि सैमसंग की तरफ से ही ऐप है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये सैमसंग की तरफ से ही है और इसकी रेटिंग भी देखें ना, 5+ की रेटिंग आपको इस ऐप की मिल रही है। अब नीचे की तरफ आएंगे, इस ऐप का अपडेट कब आया है, 3 सितंबर को इस अपडेट को रिलीज किया गया, जिसका अपडेट साइज है 19.10 MB का और इसका वर्जन नंबर है 1.0.34.6। पहले तो मैं कर लेता हूँ अपडेट, फिर जब तक मैं आपको बताता हूँ ये फीचर काम क्या करता है। तो इस फीचर का जो मेनली काम है, लाइव ट्रांजेक्शन ऑफ स्पोकन कन्वर्सेशन और स्पीच अवेलेबल एज वॉइस और टेक्स्ट आउटपुट। मतलब कि अगर आप कोई चीज बोल के या कोई चीज लिख के उसको बता रहे हो ना, ये उस कन्वर्सेशन को ट्रांसफर करने का या ट्रांसलेट करने का काम करता है। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप वॉइस भी बोलेंगे तो ट्रांसफर कर लेगा या फिर अगर आप कुछ लिख के बोलेंगे तो भी ये ट्रांसफर कर लेगा। तो इस तरीके से ये फीचर काम करता है। ये फीचर आपको कहाँ मिलेगा, कैसे यूज करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐप मिल जाएगी इंटरप्रीटर की, जिसके अंदर आपको नया सपोर्ट दे दिया गया। पहले क्या वो व्हाट्सएप पे या आपको कीबोर्ड के अंदर मिलता था, अब इसका आपको एक स्पेशली ऐप बना के दे दी गई है जिससे आप इजीली इसका यूज कर पाएंगे। जैसे कि आपको परमिशन मांगेगा, आपने परमिशन दे देनी है और अब आप इससे कन्वर्सेशन का ये या ट्रांसलेट का यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार दे दिया। ये आपसे फर्स्ट टाइम जब भी आप लॉग इन करेंगे तो पैक डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा, तो आपको ये पैक को डाउनलोड कर लेना है, जो कि काफी हैवी है। आप देख रहे हैं इंग्लिश राइटिंग लैंग्वेज 405 MB का अपडेट है। अब ये मैंने कर लिया इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जेशन, ठीक है। और भी करना है तो आपको ये डाउनलोड करना होगा, ऐड करके आप डाउनलोड कर लो और उस लैंग्वेज में कर सकते हैं। जैसा कि अब मैं लिखूं, हेलो फ्रेंड माय नेम इज सनी अरोरा, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो वो बोल के भी सुनाएगा और आपको लिख के भी बता रहा है, जो मैं बोलता जाऊंगा वो आपको लिखता जाएगा। आप देख रहे हैं अब ये यहां से सुन के वहां पर इंग्लिश में करेगा, जो मैं यहाँ बोलूंगा वो वहां पर भी ट्रांसलेट होके आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से वाला फीचर काम करता है, आप देख रहे हैं ना कितनी शानदार तरीके से। एक बार वो ट्राई करें, हेलो फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। देख रहे हैं आप उस तरीके से आपको ये बोल के दिखा रहा है। भाई मुझे तो डेफिनेटली बहुत ही शानदार ये फीचर लगा, आप देख रहे हैं कितने शानदार तरीके से काम कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पर जाएंगे तो आपको शो ऑन ऐप स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको ऐप स्क्रीन में इसको एड ऑन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अगर आपको अगर कोई दूसरी लैंग्वेज में होता है ना, उर्दू उर्दू जो भी लैंग्वेज में आपको पढ़ने में दिक्कत हो, तो आप उसको लेफ्ट राइट भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे तो आप यहाँ पर आपने हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपने क्या क्या यहाँ पर कन्वर्ट किया है, वो सारी हिस्ट्री आपको दिख जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको टिप्स का ऑप्शन मिल जाएगा कि कैसे इसको यूज करते हैं, वो डिटेल बता देगा। एंड देन रिमूव ऐप स्क्रीन या फिर सेटिंग्स में जाएंगे तो सारी सेटिंग्स आपको बता देगा। आपको वॉइस स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं कि किस लैंग्वेज में आए, लेडी की इतनी सारी वॉइस लैंग्वेज दी होंगी तो एक ही लैंग्वेज है, अभी तो ज्यादा नहीं है। फास्ट स्लो भी आप यहाँ पर सेट आउट कर पाएंगे। मतलब कि यार बहुत ही शानदार फीचर है, इंस्टेंटली आप डायरेक्टली यहाँ पर इसको चेंज कर पाएंगे। बहुत ही शानदार तरीके से इस फीचर को आप यूज कर पाएंगे। मुझे तो डेफिनेटली बहुत शानदार ये फीचर लगा और ये ऐप भी बहुत शानदार लगी। आप मुझे यूज करके जरूर बताना कि आपको ये फीचर कैसे लगा और आपके पास ये पहले था या नहीं था, ये भी आप डिटेल में बताना। व्हाट्सएप पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बाय कीबोर्ड के थ्रू आप इस फीचर का भी यूज कर पाएंगे। हर जगह जहां जहां आपको यूज करना विद कीबोर्ड आप इसका यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।
दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच।